अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक नई जॉब की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की जॉब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के ऊपर आई हुई है, तो यहाँ पे हम जो है कि PPSC लिख के टाइप करते हैं और इसको सर्च करते हैं। हम राइट क्लिक करके ओपन करते हैं, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल शामी TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे मालूमात। सबसे पहले बेल के बटन पर क्लिक करने से अपडेट मिलेंगी, और यह है कि हम यहाँ पे आपके लिए हर जॉब की इंफॉर्मेशन सबसे पहले लाने की कोशिश करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद जैसे ही आपने यहाँ पहुँचे तो आपको यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट ओपन मिल हो गई। अब यहाँ पे हम जॉब्स पे आएंगे और एडवर्टाइजमेंट नंबर 10 को ओपन करेंगे। जैसे ही हमने एडवर्टाइजमेंट नंबर 10 को ओपन किया तो यहाँ पे आप देखें तो लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर डिपार्टमेंट की जॉबें हैं, तो ये BPS स्केल 17 की जॉबें हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है, ये बहुत ज़बरदस्त जॉब है, और यहाँ पे जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन भी लिखी हुई है और एज लिमिट भी बताई गई है। ये बात ध्यान में रखें कि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए जॉबें हैं, ये बहुत ज़बरदस्त जॉबें हैं और दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे जो है कि आपको टेस्ट और इंटरव्यू के लिए जो आपको रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। BPS स्केल 17 की जॉब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है, और ये भी मेल फीमेल दोनों के लिए जॉबें हैं। और BPS स्केल 17 की जॉब है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है, ये भी मेल फीमेल दोनों के लिए है। इसी ऐड के अंदर अगर आप देखें तो प्राइमरी स्कूल हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की भी जॉब आई हुई है, मेडिकल ऑफिसर की जॉब है, और ये मेल की जॉब है, और यहाँ पे जो है कि पूरी इनकी रिक्वायरमेंट भी बताई गई है और टेस्ट की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे दी गई है। इसके लिए आपको 600 रुपये का चलान फॉर्म जो इन जॉब्स के लिए आपको 600 रुपये का चलान फॉर्म लेना पड़ेगा, और 19/4/2018 इसकी लास्ट डेट है। ये यहाँ पे नीचे एंड पे भी जो है 19/4/2018 लास्ट डेट आपको नज़र आ रही है। तो ये है कि अगर आपको ये जॉब की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इसको अप्लाई करें, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप लाजमी अप्लाई करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस पोस्ट को शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी मालूमात पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन जॉब से फ़ायदा हासिल करें, क्योंकि आपके बताने या आपकी रहनुमाई से भी अगर किसी का फ़ायदा होता है तो ये भी एक तरह का सवाब है।